खुदा, हम चाहते हैं मुल्क में ऐसी फजा बने, हम चाहते हैं मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद के आबरू पे कोई आंच आ न पाए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आज की शाम कौमी एकता की झलक जो हसनपुर कटौली के अंदर देखने को मिली है, वो बहुत दिन तक महसूस की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आइए, ये इस्तकबालिया सिलसिला अब ख़त्म हुआ। हम चाहते हैं कि आपके इस मूड को फ्रेश किया जाए और आपको तंज व मजाक की तरफ ले जाया जाए। हमारे शुअराए कराम जिन हालात को देखते हैं, उसी हालात को हूबहू अपने शाम में, अपने गज़लों में, अपने नगमों में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे कवि साहिबान जो हैं वो भी कई विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर जो भी उनके सामने हादसात प्रकट होते हैं, वो उनको देखते हैं, सोचते हैं और आपके सामने अपनी पंक्तियों में बयान करते हैं। आइए, हम चाहते हैं आज की इस महफिल को कहकादार बना दिया जाए और आपके सामने एक ऐसे कवि को प्रस्तुत कर दिया जाए जिसको देखते ही आपके होठों पर मुस्कान आ जाएगी। आइए, एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर जिनके साथ कुछ इस तरह घटना घटा करती है कि पास पड़ोस के मुर्गे मेरी मुर्गी को तंग करते रहते हैं, पास पड़ोस के मुर्गे मेरी मुर्गी को तंग करते रहते हैं, घर वाली को बोल दियो मैं इसको खुला छोड़ो नको, और सारे हमसायों को बोलू मेरी मुर्गी बाहर रह तक, बांध के रखो सब मुर्गों को उनको खुला छोड़ो नको। बीवी बोली होले हो गई, मुर्गों को तुम बंद करके रख रही, मुर्गी अंडा नहीं दी तो तुम मेरे ऊपर बिगड़ो नको। आइए, एक ऐसा कवि जो आपके दयार का आपके इलाके लखीमपुर से तशरीफ लाया है, मैं इस वक्त आवाज देता हूँ मशहूर कवि इंद्र कुमार वर्मा, इंद्र लखीमपुरी को, कि वो तशरीफ लाए और अपने अपने कलाम सुनाए। उससे कबल हमारे मौलाना तौफीक साहब शकील भाई साहब को सम्मानित करना चाहते हैं, और उनको जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आपके दरमियान आपका चहिता महबूब कवि इंद्र कुमार इंद्र लखीमपुरी। आइए, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। आइए, पहले एक देखिए, सर्वप्रथम एक छोटी सी कविता मोबाइल पे प्रस्तुत करता हूँ, देखिएगा, क्योंकि बगैर भूमिका के भाई कवियों और शायरों की लाइन बहुत लंबी है। तो लीजिए, डाखानन की धोइया हो गई जब से मोबाइल चले लाग। क्या बात है बाबा। डाखानन की धोइया हो गई जब से मोबाइल चले लाग, ना पूछत कौनो पोस्ट कार्ड अंतरदेशी सब गलै लाग, पोस्ट ऑफिस के नौकर सारे ऑफिस मा बैठ उंघाए रहे, ना करत रजिस्ट्री है कौनो मोबाइल से बतलाए रहे। क्या बात, जो बात बात मा बात बढ़त मोबाइल पर गरियाए ले, हाय बिगड़ जात इतना ज्यादा हाथों धोई आग चलाए दे। क्या कर, अब देखिए मोबाइल कैसे कैसे लोग रखते हैं, घर मा लंघन की नौबत है, घर मा लंघन की नौबत है, मोबाइल रखे जेबन मा, ना कौनो धंधा बिजनेस है, कह रहे मजदूरी खेतन मा। क्या बात, जो लिहे लफंगे मोबाइल वे फोकस खूब बनावत हैं,
जो लिहे लफंगे मोबाइल वो फोकस खूब बनावत हैं, रिचार्ज न दूसर लय पावत मूल मोबाइल चमकावत है। जब आवत देखत कौनौ का तब जोर जोर बतलाए रहे, जब आवत देखत कौनौ का तब जोर जोर बतलाए रहे, ना आवत जात कछु वही मामूल हलो हलो चिल्लाए रहे। बहुत दैजा की हीरो हांडा है, दैजा की हीरो हांडा है, मोबाइल घर से लाए हैं, 70-80 माँ जाए रहे मूल नंबर परे मिलाए हैं। अपन हाथ अपने हाथ ही मौत की मुहिमा डारिन है, बैलेंस बिगड़ेगा गाड़ी का उल्टक माँ टक्कर मारिन है। फोकस फोकस माँ देखो तो फोकट माँ जान गवाइन है, परिवार के सब रोए रहे वही फोकस वही दिखाई नहीं है। हो गए आसान अखिल गयू है मोबाइल के चक्कर माँ, हो गए आसान अखिल गयू है मोबाइल के चक्कर माँ, पकड़ा धकड़ी हो जात रहा ये लड़िकन के लब लेटर माँ। एकांत जगन माँ बैठ बैठ, एकांत जगह माँ बैठ बैठ नंबर लड़की नहीं मिलौती है, फोन से अपने प्रेमिन का मनमानी जगह बुलौती है। वाह 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 चचा क्या बात है। तो एकांत जगह माँ बैठ बैठ नंबर लड़की नहीं मिलौती है। पढ़िए भाई, भाई, भाई। दोबारा पढ़ दीजिए। डाखानन की धोइया हो गई जब से मोबाइल चले लाग, लेट्रीनन सुनिए भाई शांत रहिए जरा सुन लीजिए उसे अच्छा कह। लेट्रीनन माँ बैठ बैठ नंबर लड़की नहीं मिलौती है, फोन से अपने प्रेमिन का मनमानी जगह बुलौती है। इतने गुप्त और पोशीदा जगह का ख्याल रखना ये भी ऊंचा ख्याल। घर माँ राखे जो मोबाइल लड़का बिटियन से दूर दूर, वरना कब इंद्र तुम्हार कहत हो जाए इज्जत चूर चूर। भाई बहुत आइए भाई, मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिए गांव की बात बताता हूं। आपके यहां प्रधान लोग तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन हमारे लखीमपुर के प्रधान लोग क्या कर रहे हैं ये देखें आप लोग। जी का सूझा ये रचना उस समय की है जब प्राइमरी स्कूलों में स्कॉलर प्रधान लोग दिया करते थे, उस समय की रचना है, ध्यान दीजिएगा। जी भाई पढ़िए। का सूझा ई प्रधानन का है कुर्सी पाए मोटाए गए, का सूझा ई प्रधानन का है कुर्सी पाए मोटाए गए, भगवान के जर से भूल गए विधवा पेंशन तक खाए गए। क्या बात, ये प्राइमरी स्कूलन मा हर साल वजीफा मिलत रहा है, ये निर्धन और गरीबन के लड़िकन का चेहरा खिलत रहा है, अब की से खाए वजीफों के ना जानी का खाए जाए, ये द्याहें बेच मरघटव तक जो दनिको मौका पाए जाए, जिनके घर पक्के बने रहा कॉलोनी उनकी बनवाई, जो झिल्ली ताने रहत रहा वो फिर से झिल्ली तनवाई। क्या बात, जो लंबे से रहित गांव के, जो लंबे से रहित गांव के रिहा राशन कार्ड बने उनके, ना कौनो छूट मिली उनका लंघन की नौबत है जिनके।
क्या बात है भैया, ये जाब कार्ड बेकार बने ना काम याक दिन पाए न है। सस्ते पर लेबर लाए लाए प्रधान काम करवाई न है। क्या बात है, लेटरीन बिल्कुल फ्री रहा है, लेटरीन बिल्कुल फ्री रहा, ये चार चार सौ मारिन है। ये निर्धन और गरीबन संग अन्याय बड़ा कई डारिन है। हमारे बीच हमारे मेहमान कवि मोहतरम अनिल कुमार बेअदब लखनवी, मोहतरमा विजय लखनवी साहिब तशरीफ ला चुके हैं। माइक पर मोहतरम इंद्र कुमार। एहसान गांव पर खूब केहन दो चार रास्ता बनवाए, एहसान गांव पर खूब केहन दो चार रास्ता बनवाए, पटवाइन गड्ढा ढूंढ ढूंढ पेमेंट नए का करवाए, शौचालय रास्ता मिड डे मील आवास योजना चालू है, आर्डर आवत ए सी सी का लगवावत पेवर बालू है, गिर गई छठी स्कूलन की जानी कैसे बनवाइन है, कागज पर नए ताल खुद गे हुई खुदे ताल खुदवाइन है। क्या बात है, 21 अगस्त के पेपर मा खीरी की खबर मिली हमका, कोटे का खाए सड़ा चावल बीमार भय कई औ लड़का, स्कूली खाना खाए खाए लड़का बीमारी झेल रहे, सरकार दे रही बासमती वो कोटे वाला पेल रहे। चमचा प्रधान के खास जौन उनकी वृद्धा पेंशन बन गए, 35-40 माह पांव धरिन मूल 70 साल उम्र लिख गए, चमचा प्रधान के द्वारे पर कस रुतबा अपन दिखाए रहे, प्रधान बैठ घर के भीतर हुई बाहर गए बताए रहे। ये ग्राम सभा की जगहन पर नाजायज जौन बनाइन है, प्रधान न कबहू टोकिन है लागत कुछ रकम गिनाइन है, अब तो जागव दुनिया वाले सबका कविंद्र जगाए रहे, सरकार जौन हक देश तुम्हें उठे लुहा का है खाए रहे। धन्यवाद।